देखिए, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक डायग्राम हमने बनाया था जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों कंबाइंड रूप से आ गई थी। उसमें आपने किस तरीके से एक एक स्टेप पे चलते हैं आपने सीखा है, ठीक है। वो सब सीखने के बाद अब इस चीज़ की बारी आती है कि हम ये देखें कि रियल सेंस में इसका क्या उपयोग है, ठीक है। रियल सेंस में क्या है, मतलब ये जो एप्लीकेशन शब्द आप देख रहे हो ना, एप्लीकेशंस, मतलब रियल सेंस में इसके क्या क्या उपयोग है। हमने इसको कुछ पार्ट में बांट के पढ़ना है आगे, तो जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है जैसे कोर्स कंटेंट, हम उसी के आधार पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज, कुछ चार हेडिंग्स के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। तो वैसे तो उसके अंदर हमने केवल एक ही चीज़ छोड़ी है, प्लांट टिश्यू कल्चर। वो आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आपको एक दिन मैं सेपरेटली प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बता दूंगा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। इससे पहले जो एनसीईआरटी की बुक आती थी ना, उसमें तो प्लांट टिश्यू कल्चर का काफ़ी दिया हुआ था और बहुत शानदार चीज़ है। क्योंकि आप ये देखेंगे ना, जैसे मेडिसिन वगैरह अगर इनकी बात करें, तो जैसे कि हमने पहले बात की थी किसकी, क्विनिन की बात की थी ना, क्विनिन की, तो उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ों को अगर आपको प्लांट टिश्यू कल्चर आता है तो बहुत जल्दी समझ में आता है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। वैसे इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं वो यही है कि जैसे बेस्ट कैटलिस्ट, यानी जब हम कल्चर करते हैं, ठीक है, कल्चर करते हैं, तो उस समय कुछ चीज़ें जो उसके अंदर हमने डालनी है, ठीक है, या माइक्रोब हमें प्रॉपर लेना चाहिए, तो वो सब चीज़ें, मतलब हमने लास्ट में बायोरिएक्टर देखा था ना, एक तरीके से ये मान लीजिए बायोरिएक्टर की यहाँ बात हो रही है। दूसरा, ऑप्टिमल कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशन क्या, टेम्परेचर चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी चाहिए, कितने मात्रा में मीडियम चाहिए सब। और तीसरी जो चीज़ है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जब प्रोड्यूस आपके लिए आ गया है वहाँ पे, उस प्रोड्यूस की आप प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उसी को बोलते हैं। कि वो सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड है। और इस पे अलग अलग एरियाज़ हैं, कहीं पे केमिकल साइंसेज का रोल आता है, यहाँ पे जैसे क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग एंड कैटलिस्ट टू एक्ट एंड, तो ये सब जो आ रहा है, तो ये सब यहाँ पर इंजीनियरिंग का रोल है। अगर आपको चाहिए वहाँ पे कि भी हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ पर वो काम किसका आ जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड का काम आ जाता है। वो उसे व्यवस्थित करते हैं इस प्रकार से कि वहाँ पर उतना टेम्परेचर डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इसमें देखिए कुछ चीज़ें इसके अंदर जो बताई हुई है, थोड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जनरल है, आप लोग पढ़ लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये नाम जरूर आएगा आपका, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अगर आप बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं, तो बीटी कॉटन, कॉटन भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और बीटी कॉटन है कह दिया, तो वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो इसमें जो बात आएगी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का हमारे यहाँ पर क्या रोल है वो हम देखना चाहेंगे। देखो जरा, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, आपकी बुक के हिसाब से अगर हम चलें, तो जो क्रॉप्स हैं उनको टॉलरेंट बनाए कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट और हीट के रेजिस्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हीट ज़्यादा है तो क्रॉप जो हीट रेजिस्टेंट होगी वही ज़्यादा कामयाब होगी यहाँ पर। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, वो भी हमारा उद्देश्य रहता है
कि हम कुछ ऐसी फसलें बनाएं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, तो हमारी जो है केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी घटेगी। तीसरी जो चीज़ है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं या कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं या कोई और कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो उसको कम करने का प्रयास है। चौथा जो है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स इस तरीके के जो मिनरल्स को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें जो वहाँ पर अवेलेबल हैं सोइल के अंदर, ऐसा हमारी स्ट्रेटजी रहती है। पांचवी जो चीज़ है, एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड के अंदर, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाना। जैसे चाइना के अंदर एक था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, तो वहाँ पर गोल्डन राइस प्रोड्यूस किया गया, यानी चावल में वो जीन डाल दिया गया जिसकी सहायता से विटामिन ए बनता है। ठीक है, अब ये सब कुछ उद्देश्य हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी किताब में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन की बात करें, बीटी कॉटन कैसे बना है तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस एक बैक्टीरिया है, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस। ठीक है, उससे एक जीन लिया गया है जिसको कहते हैं हम बीटी जीन। ठीक है, और इस बीटी जीन को लेकर के हमने क्या किया, एम्पलीफाई कर लिया, बढ़ा लिया। किसकी सहायता से बढ़ाया हमने, या तो पीसीआर करें या फिर प्लाज्मिड मेथड से करें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये खूब मिल गए आपको, कौन से जीन, बीटी जीन। ठीक है, अब इसको हमने किस में किया है, ट्रांसफर टू कॉटन। अब कॉटन के जब अंदर जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो दो मेथड मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर लिपोफेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन, बहुत सारे मेथड्स थे, और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर एग्रोबैक्टीरियम मेथड था। ठीक है, उस वजह से जो आपको जो सेल मिली है जिसके अंदर जो फॉरेन जीन है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांस जेनिक सेल। और इस सेल को हम क्या करेंगे, कल्चर कर लेंगे। कल्चर करने के बाद जो प्लांट आएगा आपके सामने वो कौन सा प्लांट आएगा, बीटी कॉटन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, बीटी जीन जो होता है, बीटी जीन एक खास तरीके का प्रोटीन बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन। और ये प्रोटीन अगर कोई इंसेक्ट खा लेता है तो उसको पैरालिसिस हो जाता है, और वो इंसेक्ट की वहां पर डेथ हो जाती है। तो वो जीन जो है जब कॉटन के अंदर आ गया और कॉटन की लीव्स को या फिर उसके जो फ्रूट्स आप देखते हो उन फ्रूट्स को अगर कोई इंसेक्ट खाता है, जिसको आप सुंडी बोलते हो, अमेरिकन सुंडी कुछ इस तरीके के नाम आते हैं, तो वो जब इसको खाते हैं तो खाते ही वो जीन तो प्रोड्यूस ये कर ही रहा है, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन अंदर जाएगा और वो इंसेक्ट वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट की। ठीक है, इसीलिए हमें उसे केमिकल देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो बीटी कॉटन किसका एग्जाम्पल है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मुख्य एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, यही चीज़ें सारी इसके अंदर बताई हुई है। बीटी टॉक्सिन, ये देखो जो जिस तरीके का नुकसान होता है कॉटन में वो बताया हुआ है। अब कुछ और मेथड्स हैं उसके अंदर, जैसे सेवरल निमेटोड्स पैरासिटाइज ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ए निमेटोड मिलियोडोगाइन
जो है वो द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट्स, ये उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसका कैसे है कि एक आरएनए बना लिया, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या होता है कि एक आरएनए मॉलिक्यूल बना लिया और उस आरएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, इससे जो रिसेप्टर्स बनते हैं, जैसे जो निमेटोड है, निमेटोड के लिए जो रिसेप्टर्स बनते हैं, जिस रिसेप्टर के कारण ही निमेटोड का इन्फेक्शन हो पाता है, वो रिसेप्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रिसेप्टर बनाने वाले जो एमआरएनए बनते हैं उनकी क्या होती है, साइलेंसिंग हो जाती है। तो एक तरीके से ये आरएनए साइलेंसिंग के थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक तो बीटी कॉटन पढ़ा है, दूसरा एक पेस्ट रेजिस्टेंस थ्रू आरएनएआई, ठीक है, यानी आरएनए इंटरफेरेंस। आप ये देखिए, ये आपको बीटी कॉटन तो क्लियर है बिल्कुल। आरएनएआई में क्या होता है, जब आप हम पढ़ चुके हैं क्या वो शायद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं ना। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है, और वो एमआरएनए जाकर के क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देना ही आरएनएआई है। वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा तो उस आरएनए के साथ वो अटैच होकर उसको साइलेंट कर देगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग। बेसिकली अगर आप देखोगे, इस पे आपको मैं बता देता हूँ, ये डीएनए हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर, ये डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। ठीक है, हमने दूसरा जो दिया वो बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, आरएनएआई। ठीक है, ये क्या करेगा, इस आरएनए के साथ बाइंड होकर के इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड, अब ये डबल स्टैंडर्ड हो गया तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, इसको रोक दिया, समझ गए ना, ये मेथड वहां पे रहेगा। अब आता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। इसमें सबसे पहला जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो पहले जो इंसुलिन, देखिए जो इंसुलिन का आपको पता है, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, एंजाइम प्रोडक्शन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, लेकिन यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का एग्जाम्पल लिया गया है। ये जो इंसुलिन हॉर्मोन है, किसके ट्रीटमेंट में काम में आता है, डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काम में आता है। तो ये पहले सीधा एनिमल ओरिजिनेटेड लेते थे। देखिए, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। इनसे इनसे जो इंसुलिन लेते थे, वो इंसुलिन को पैक करके भेजा जाता था और वही टीके के रूप में लगाया जाता था। तो इससे कई में क्या होता है, एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि सेम ओरिजिन का नहीं होता था ना, सेम नहीं है। तो इसको स्टडी किया गया भी, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, देखिए ये पूरा का पूरा, लेकिन बीच में ग्रे कलर का दिखा है ना, सेगमेंट दिख रहा है, इसको सी पेप्टाइड बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, ये सी पेप्टाइड इसका पोर्शन हट जाता है, और हटने के बाद जो है वो ये जो बनता है, ये ए और बी पेप्टाइड से मिलकर के बनता है, वो इंसुलिन बनता है ओरिजिनली, और वही सही ढंग से काम करता है। तो इसको डेवलप करने के लिए क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन के ए और बी पेप्टाइड के जीन ले लिए गए, और ए और बी पेप्टाइड दोनों को अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया, और उससे ए और बी पेप्टाइड जो है प्रोड्यूस हो गए। ये काम किया था एली लिली कंपनी थी। ये देखिए, ये आपके प्रश्न भी कई बार आ जाता है यहाँ पर, देखिए, इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन।
एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ई कोलाई बनाने लग गया। एक ई, एक जो हमने सेट बनाया वो ए पेप्टाइड बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, बी पेप्टाइड बना रहा है। दोनों को ले लिया और दोनों को जो है साथ में मिला करके कंबाइन कर दिया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये केमिकल मेथड के थ्रू इनको ट्रांसफर कर दिया गया एक साथ। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो एस आते हैं यहाँ पर, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। और ये जो है ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन की तरीके का था, तो ये जो इंजेक्ट करते हैं तो इससे ह्यूमन को कोई एलर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये डायग्राम आप देख लीजिएगा आपकी बुक में जो दिया हुआ है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। फिर आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है कि अगर किसी के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसकी हम कोई करेक्टिव थेरेपी करते हैं, भाई जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको, उसका जीन डिस्टर्ब है, तो उसके अंदर दूसरा जीन इंट्रोड्यूस करा देना जो कि करेक्ट जीन है, तो वो इसके कैटेगरी के अंतर्गत आता है। कि अब यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992 ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसिन डाई एमेनीज डेफिशियंसी। ठीक है, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज। जो एडिनोसिन डी एमिनेज जीन है वो क्या हो गया है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। क्या था, हाँ ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा सर, क्या है? कुछ है विशेष? तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई आप ये मान के चलिए, जैसे ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वहाँ का एक पार्ट डिलीट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया है, तो डिलीट हो जाने के कारण वहां पर एडीए डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका इलाज कैसे हुआ वो हम देखते हैं। देखिए, इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। या तो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दें, दूसरे की नॉर्मल बोन मैरो वहाँ पे डाल दी जाए, या फिर क्या है एंजाइम ही दे दिया जाए। ठीक है, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। उसमें से कम्प्लीटली क्योर नहीं होती थी डिजीज। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी। जो पेशेंट था उसकी लिम्फोसाइट्स ले ली और उसको बॉडी से बाहर कल्चर किया गया। ए फंक्शनल एडीए सीडीएनए यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। अब उनके अंदर एक डीएनए जो है डाल दिया गया। डीएनए कैसे बनाया जरा ये देखिए ध्यान से। अगर आप एमआरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सीडीएनए कहलाता है। ठीक है, तो सीडीएनए बना लिया और सीडीएनए बना करके उन लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, उन लिम्फोसाइट के अंदर ट्रांसफर हो जाने के बाद सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, वो पेशेंट को दे दी गई। However, as these cells are not immortal, वो कोई अमर नहीं होती हैं cells, ठीक है? The patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the genes isolate from the marrow cell producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure. अब यही जीन थेरेपी अगर हम कर देते, मान लो आपको पता चल गया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल गया, तो उसी समय वहाँ से उसकी स्टेम सेल लेकर के उसमें ये ट्रांसफ़र करके जीन, और बाद में उसके बोन मैरो में वहीं ट्रांसफ़र कर दी जाती, तो बाद में वो प्रोड्यूस करता रहता और ऑटोमेटिकली खुद ही बनाता रहता। तो ये एक जीन थेरेपी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है,
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, अभी इतना ही। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए।